स्टेप ग्रो वर्सेस डिकोडिंग ओटी। इन दोनों चैनल्स ने अपनी पहली वीडियो को वायरल की है, बट कैसे? जहां डिकोडिंग ओटी अपनी पहली वीडियो 21 मार्च 2023 को अपलोड की है और स्टेप ग्रो ने भी जस्ट उसके 14 दिन बाद 3 अप्रैल को अपनी पहली वीडियो अपलोड की है। इससे एक क्लियर पता चलता है कि स्टेप ग्रो ये आइडिया डिकोडिंग ओटी से ली है बिना कॉन्टेंट को कॉपी करके। बट घंटों इन दोनों चैनल को रिसर्च करने के बाद मुझे एक सेम फॉर्मूला देखने को मिला। दोनों चैनल्स ने एल्गोरिथम के ऑडियंस को टारगेट करके ही वीडियो बनाया है। इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि आखिर इन दोनों चैनल्स पर पहले वीडियोस में इतना व्यूज कैसे आए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर कोई भी फेमस यूट्यूबर के ऊपर वीडियोस बना सकता है, लेकिन उनकी पहले वीडियोस पर इतना व्यूज नहीं आते। इसका आंसर इनकी वीडियो में छुपा है। जब मैंने दोनों चैनल्स का वीडियोस को एनालाइज किया तो पता चला इन दोनों ने वीडियो के स्टार्टिंग में एल्गोरिथम को मेंशन किया है। एंड इस वीडियो को प्ले करते ही जो भी एल्गोरिथम का ऑडियंस होगा उनके मन में एक डोपामाइन रिलीज होगा, जिससे कि उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि आखिर क्या है इस वीडियो में एल्गोरिथम के बारे में। एंड इसकी वजह से एल्गोरिथम के ऑडियंस के मन में एक क्यूरियोसिटी बन जाता है। बट अभी भी सारे डाउट्स क्लियर नहीं हुए। जब मैंने इन दोनों चैनल्स को थोड़ा और स्टडी किया एंड कमेंट को पढ़ा, इन दोनों चैनल्स का ऑडियंस इन दोनों का वॉइस और एडिटिंग के ऊपर अट्रैक्ट हुई है और कहीं ना कहीं इन दोनों की कंटेंट क्वालिटी के साथ और टॉपिक ज्यादा अच्छे लगे और इसी वजह से इन दोनों चैनल्स में हर बार के ट्रैफिक्स आए होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा व्यूज मिला।